खाना हमारा बन रहा है यहाँ पर, दाल छोक रही हूँ मैं, दाल का छौंका तैयार हो रहा है। इसमें चढ़ा दिया है मैंने आलू गोभी, ये है हमारी दाल, ये मसूर की दाल है, इसमें डालने के लिए धनिया भी काट लिया है, और बस ये साग है ये लाई हूँ कल के लिए, ये कल बन जाएगा। सब कुछ मिक्स है इसमें साग में, जिसमें है पालक, बथुआ, मेथी और क्या है, मतलब जो भी ग्रीन ग्रीन होते हैं ना वो सब कुछ है इसमें साग। और मम्मी गाजर भी लेकर आई है मेरे लिए, चुकंदर भी लेकर आई है, क्योंकि ब्लड मेरे हीमोग्लोबिन कम आया है, तो चुकंदर मैं डेली खा रही हूँ और डेली पी रही हूँ गाजर का जूस, ताकि थोड़ा सा मेरा हीमोग्लोबिन सही हो जाए। आज भी मेरे टेस्ट हुए हैं, आज मेरा एक्सरे हुआ है, ECG हुआ है, CBC का टेस्ट हुआ है जिसमें ब्लड के बारे में पूरी डिटेल होती है, इसके अलावा मेरा KFT हुआ है, LFT हुआ है, अब इनका सबका मतलब तो मुझे नहीं पता है, हीमोग्लोबिन वगैरह और थायराइड वगैरह का टेस्ट हुआ है, तो ये सब मेरे टेस्ट हुए हैं। और बस एक दो दिन में इसकी रिपोर्ट्स मैं ऑनलाइन निकाल लूँगी, फिर 23 तारीख को मेरा बेहोशी का टेस्ट है, और उसके बाद मुझे 24 तारीख को डॉक्टर से मिलना है, बस फिर 24 तारीख को डॉक्टर से मिल लूँगी, और उसके बाद फिर देखते हैं सर्जरी की डेट मिलेगी या नहीं, या फिर लेट मिलेगी या जल्दी मिलेगी, आई डोंट नो। मेरे जो माल मैं बेचती हूँ वो कपड़े यहाँ पर मैंने पन्नी एक उठा के रख दिए है, वहाँ पर बड़ी वाली पन्नी है जिसको चूहे खा रहे हैं, तो आज वो पन्नी बेड में जाएगी, कोई सारे कपड़े मैं बेड में डाल दूंगी, क्योंकि चूहे उसको खाए जा रहे हैं, तो फिर नुकसान हो जाएगा मेरा। अभी तो मैं सेल नहीं कर रही हूँ, क्योंकि अभी मेरे पास माल ही नहीं है ज़्यादा, तो वो सब पलंग में बैठ के अंदर डालना है, और ये थोड़े से कपड़े यहाँ पे रखे हैं, ये सब बैठ के अंदर डालना है, तो बस। सो गुड मॉर्निंग गाइज, और हो गया है मेरा खाना बनाना, सब हो गया है, बस घर में सफाई बाकी है। अभी काव्या की क्लास जो है वो स्टार्ट होने ही वाली है 11 AM, तो फिर मैं करने वाली हूँ घर की साफ सफाई पूरी, और अब मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना है, आप जानते हैं अभी तो मुझे जाना ही नहीं है, 20 तारीख के बाद ही मुझे हॉस्पिटल जाना है, तो फिर तब तक मैं फ्री हूँ बिल्कुल। अब मैं घर में रेस्ट करूँगी, खाऊंगी पीऊँगी, थोड़ा सा हीमोग्लोबिन अपना बढ़ाऊंगी, और बस घर का काम, और शायद ऑपरेशन की डेट हो सकता है मुझे नेक्स्ट मंथ की मिल जाए, जनवरी की, लेकिन जनवरी में बहुत ठंड होती है यार, बहुत ठंड भी लगती है मुझे, मैं तो वैसे ही ठंड से डरती हूँ, तो बस ये डेट कभी की मिले, जबकि भी डेट मिले उससे पहले मुझे कोई फिजिकली प्रॉब्लम ना हो इंटरनली, बस यही मैं चाहती हूँ, और बाकी देखते हैं। सारे टेस्ट तो मैंने करा ही लिए हैं, रिपोर्ट्स भी एक दो दिन में आ ही जाएंगी, तो मैं काव्या को बुला लेती हूँ, काव्या की क्लास है, काव्या दोनों बाहर खेल रहे हैं, मतलब बाहर चले गए हैं, रात को हमारे घर में इतने बड़े बड़े चूहे आ रहे हैं कि ये पैकेट जो है ना इसमें मेरा माल रखा है जो मैं बेचती हूँ, आपको पता है कपड़ों का माल, तो मैंने निकाल कर नीचे रख दिया, क्योंकि अलमारी के ऊपर बहुत ज़्यादा चूहे आ रहे थे, तो मैंने उठाकर इसको नीचे रखा, तो चूहे क्या बोलते हैं इसी पन्नी को खा रहे थे, शायद इसमें से कोई कपड़ा खा भी गए हो, खोलकर मुझे देखना पड़ेगा कि चूहों ने क्या नुकसान कर दिया या नहीं किया। इसको बेड में डालेंगे, क्योंकि बेड में से हमने रजाइयां निकाली है, तो बेड हो गया हमारा खाली, तो इसको हम बेड में डाल देंगे। निको निको इकरा, काव्य की क्लास शुरू होगी गाइज, मिलते हैं क्लास। हेलो गुड इवनिंग गाइज, हमारा जो नया व्लॉग है वो आउट हो गया है, वो जरूर देख लीजिएगा आप चैनल पर विजिट करके। और बच्चे चले गए हैं ट्यूशन, बच गए हैं 5:30 बजे, मैं छोड़कर आई हूँ, और ट्यूशन के लिए लेट हो गए थे क्योंकि काव्या जो है वो जूस नहीं पी रही थी, जूस बनाया था मैंने, उसको पसंद नहीं, वो नहीं पीती है, तो अभी मैं बच्चों को ट्यूशन छोड़ के आई हूँ, और 5:30 बजे मुझे उनको लेने जा रहा है, तो 5:30 बजे तक मैं रेस्ट करूँगी घर में, और मुझे कहीं जाना नहीं है, तो आराम कर लेती हूँ, फ्रेंड है मेरी उससे बात कर लेती, लेकिन वो बिज़ी होगी क्योंकि उनकी शॉप है, तो वो शॉप पर चली गई होगी, तो घर में थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ, चाय नहीं पीनी है क्योंकि जूस पी लिया है अभी, तो जूस के जस्ट आफ्टर तो चाय नहीं पी सकते हैं। और आज मैं बनाऊँगी साग और उसके साथ मक्के की रोटी, तो साग जो है मैं अभी धोकर चढ़ाने वाली हूँ, थोड़ी देर में ही चढ़ा देती हूँ बल्कि, ताकि वो जल्दी बन जाएगा, साथ में मक्के की रोटी मक्खन लगा के बहुत अच्छी लगेगी, बहुत टेस्टी, तो आप भी आइए, चलिए बनाइए मेरे साथ साग, आ जाइए। तो भाई निकू लग गया अपने टीवी पर, और टीवी आज रिचार्ज हो गया है 10 दिन बाद, 10 दिन से टीवी रिचार्ज नहीं हुआ था क्योंकि फ़ोन में मतलब पैसे ही नहीं थे हमारे पास, अभी अभी फ़ोन के थ्रू मैंने रिचार्ज किया। काव्या क्या कर रही है, एक तो इस लड़की से ना मैं परेशान हूँ, गैस में बहुत ज़्यादा हाथ लगाती है किचन में, और ये डेंजरस है बच्चों के लिए किचन में जाना, लहसुन को भून रही है ये खाने के लिए, ओवर एक्टिंग नहीं चाहिए मुझे, नीचे बैठ के खा ले, बैठ जा पक गया, क्या हो कितने पे लगाना है, आ तो रहे हैं तुम्हारे सारे चैनल, क्या आगे नहीं हो रहा, बापू आ रहा है, बापू
ये टीटू आई नहीं रहा। मार्वल एच क्यू बेब्लेड कितने पे लगाना है बताना। मानसा एंड द वियर भाई तू एक बता दे किस पे देखना है। डिज्नी ये डिज्नी का हटाना पड़ेगा बेकार में लग रहा है। लिटिल सिंघम ये भी नहीं आ रहा। आस्था अब गए सारे चैनल बस इतना ही है। पीछे कर बैक कर करके लगा ले तो पता नहीं इसके पापा ने कुछ चैनल्स कम कर दिए। पहले हम 300 का रिचार्ज कराते थे अब हम 250 का रिचार्ज करा रहे हैं। कुछ चैनल्स जो हट गए हैं स्पोर्ट्स का भी हट गया क्योंकि स्पोर्ट्स का इस समय कोई मैच वैच नहीं आ रहा है। बच्चों का भी शायद एक डिज्नी का चैनल चला गया है। कुछ चैनल्स जो आ रहे हैं इतने ही ठीक है क्योंकि ये लोग पढ़ते लिखते कुछ नहीं है फिर पूरा दिन ये टीवी देखते हैं। टीवी 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 एक खा लिया तूने कुछ पढ़ाई नहीं करते आजकल ये। क्या आगे करना है आगे वो ही। ये निंजा तोरी चल ठीक है बैठ के देख लो ऊपर बैठ के देखो आराम से यही देखता है तू। चलो ठीक है गाइज मैं यहाँ पर काट रही हूँ प्याज और लहसुन क्योंकि मैं बनाने जा रही हूँ साग। आवाज करना ये रिमोट ना खराब हो गया भाई इतना बहुत है आवाज। कितने लोगों के घर में जब रिमोट खराब हो जाता है ऐसे ठोक ठोक के चलाते हैं। बहुत सारे लोगों के क्योंकि रिमोट खराब भी हो जाता है ना हम सोचते हैं कि उसको तब तक यूज करें जब तक उसमें इतनी सी भी जान बाकी है। तो यहाँ पे प्याज लहसुन काट लेती हूँ क्योंकि साग छौंकना है। साग उबालने के लिए मैंने रख दिया है। हाँ जी इतनी आवाज बहुत है भाई क्या ज्यादा आवाज करूं तेरे को तो वैसे कम सुनाई देता है। ये तो आ रहा है कम से कम तुम्हारा चैनल देख लो कर लो ना फेक अरे नहीं भाई छेड़ पे मत देना उसको बिल्कुल ही आवाज चली जाएगी। अभी कर दी सीटियां लगनी शुरू हो गई है कुकर में मतलब साग उबलना शुरू हो गया है। ला एक्चुअली मैं कटा हुआ साग लेकर आई थी ऑलरेडी कटा हुआ था जब मैं हॉस्पिटल से कल आई थी रास्ते में एक रेडी वाला था जो साग बेच रहा था। सब कुछ मिक्स साग है उसमें और काट कर दे रहे थे मशीन से तो वो काटने वाली मेहनत से बच गई क्योंकि एक घंटा लगता उसको छाटने और काटने में तो ले आई थी। सोचा था कल बनाऊंगी लेकिन कल इतनी हालत खराब हुई घर आकर मैं बहुत ज्यादा थक गई थी तो कल नहीं बनाया तो आज बनाऊंगी साग में। और आज साग के साथ बनाऊंगी मक्की की रोटी मक्खन लगा के बहुत बहुत यमी और टेस्टी। आप भी आ जाओ खाने के लिए सर्दियों में ना साग और मक्की की रोटी बहुत ही यमी लगती है बहुत अच्छी लगती है। गेहूं की भी बनाऊंगी क्योंकि इनके जो पापा हैं वो तो खाते नहीं है वो मक्की की खाते नहीं है रोटी वो गेहूं की खाते। तो गाइस मिलती हूँ आपसे कुछ ही देर में। तो मैंने साग बना लिया है मतलब साग अभी छोंकना है छोंक दिया है मतलब डालना है उसमें। और यहाँ पे मैं गूंद रही हूँ मक्की का आटा क्योंकि मक्की का जो आटा है ना वो बहुत मेहनत से गूंदता है और बहुत ज्यादा मेहनत इसमें लगती है। ये नहीं कि फटाफट आटा गूंद गया आप देख सकते हो आटा मैं गूंद रही हूँ कितना इसको रगड़ना पड़ता है ये देखो ऐसे ऐसे करके इसको रगड़ना पड़ता है तभी रोटी अच्छी बनेगी वरना रोटी टूट जाएगी। अगर आप इसको रगड़ेंगे नहीं तो रोटी टूट जाएगी और रोटी सही से नहीं बनेगी। तो इसमें यही मेहनत है कि इसको बहुत ज्यादा थोड़ा थोड़ा पानी लेके बार बार पानी ये सोकिंग बहुत जल्दी करता है पानी को सोख लेता है बहुत जल्दी। और अभी हम लाएंगे बटर क्योंकि बटर हमारे घर में खत्म हो गया और इसको अच्छी तरह गूंदना ही गूंदने में ही सारी मेहनत लगती है। अगर आपने इसको बढ़िया तरीके से गूंद लिया तो रोटी आपकी बहुत अच्छी बन जाएगी। येलो बन गया तुम ऐसे पकड़ो वीडियो बनाओ येलो बन गया ये तो इसको हम बहुत अच्छे से इस तरह से गूंदेंगे तभी ये रोटी जो है अच्छी बनेगी है ना। तुम्हें खानी है मक्की की रोटी अच्छी बनती है आटे पे दिखाओ ना आटे पे बहुत अच्छी बनेगी बटर लगा के वो भी साग के साथ सरसों का साग और मक्की की रोटी। हाँ
इस तरह से इसको मैश करना है। देखो दिखाओ सबको इस तरीके से, ऐसे ऐसे करके मैश करना है। मैश क्या होता है? जो मैं कर रही हूँ, जब हम ऐसे ऐसे इसको भूनेंगे ये बहुत अच्छा सा गुन जाएगा और रोटी बहुत बढ़िया बन जाएगी, टूटेगी नहीं बिल्कुल भी। मम्मा मम्मा इधर देख के बोला कुछ। तो साग हमारा तैयार होने वाला है, मतलब तैयार हो ही गया है, फिर उसके बाद मक्की की रोटी मैं गर्मा गर्म बनाऊंगी और बच्चे बैठकर आराम से खाएंगे, है ना। बच्चों की जिंदगी तो सबसे अच्छी है, शिनचैन देखो और खाना खाओ खेलो, स्कूल तो बंद ही पड़े हैं 2 साल से, लाइफ एकदम हेवन बन गई है तुम लोगों की, है ना। तो हमारा जो स्पेशल खाना है आज का वो रेडी हो गया है। एक्चुअली ना आपको हंसी आ रही होगी इतनी छोटी छोटी मक्की की रोटी देखकर, क्योंकि मुझे ना बड़ी बड़ी रोटी नहीं बनानी आती है, मैं बड़ी बड़ी बनाऊंगी तो टूट जाएगी। तो चलो टेस्ट कर लेते हैं थोड़ा सा कैसा लग रहा है। बहुत ज्यादा टेस्टी और यमी है, यहाँ रखो इसको। अच्छा। कैसा लगा? अच्छा। कैसा लगा देखो। तो आप भी आ जाओ खा लो हमारे साथ मक्की की रोटी और सरसों का साग, बहुत ज्यादा यमी और टेस्टी जो बना है, सर्दियों का सबसे स्पेशल खाना होता है ये, वो भी मक्खन मार के रोटियां, देसी घी डाल के साग, सच में बहुत टेस्टी है, मजा आ गया, इससे बेहतरीन खाना कुछ हो ही नहीं सकता।